देखो, कल जो भी सिचुएशन हुई वो बहुत ही खराब थी। हम शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे, करना चाहते थे, करने तो दिया ही नहीं। जंतर मंतर से सिर्फ 10 कदम से ही पूरा बैरिगेटिंग था, तो हमने रिक्वेस्ट भी की कि प्लीज जाने दो। हमारी कॉल दी हुई है हमारे बड़े बुजुर्ग ने, हमें वहां पंचायत करनी है महिला सम्मान के लिए, लेकिन 10 कदम से ही उन्होंने बैरिगेटिंग स्टार्ट कर दी। हमने आगे बढ़ना स्टार्ट किया तो उन्होंने जो है पुशिंग स्टार्ट कर दी कि आप आगे नहीं आ सकते हो। तो उस पुशिंग में वो हमें डिटेन करने लगे, लेकिन हमने भी अपने आप को रोकने की कोशिश की कि मत आगे जाओ, मत लेके जाओ, बस में मत लेके जाओ, हम शांतिपूर्वक ही तो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जबरदस्ती उठा के, आपने वीडियोस देखी होगी कि हमें बस में डाल दिया गया और डिटेन कर लिया, और उसके बाद हमें फिर शाम को 6 बजे छोड़ा उन्होंने। देखो, वो तो सब फोटोज वीडियोज में प्रूफ है कि इतनी सारी फोर्स के बाद एक महिला के ऊपर जब 20-20, 30-30 कॉन्स्टेबल्स फोर्स लगी हुई है, तो हम कहाँ का दंगा फसाद कर सकते हैं। हम सिर्फ अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि प्लीज मत लेके जाओ, हम शांतिपूर्वक अपना आज का मार्च करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी सुनवाई तो वैसे भी नहीं हो रही है। लेकिन उन्होंने जबरदस्ती जो है घसीट करके हमें बस में डाल दिया, उसमें हमें खरोचे भी आई हैं। तो हमने कोई दंगा फसाद नहीं किया, हमने कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं तोड़ी। आप एक भी वीडियो में देख लें, हमने कोई बैरिकेटिंग, पुलिंग, पुशिंग कहीं का कोई अगर आपको मिल जाए, हम सिर्फ फर्स्ट डे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम शांतिपूर्वक अपना धरना शांतिपूर्वक करना चाहते हैं, हमें जाने दो। लेकिन हमें जाने नहीं दिया।